नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पालमिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जीवन रेखा से कैसे हम जाने कि हमारे जीवन में क्या कुछ होने वाला है, कब वो सुख की घड़ी आने वाली है, कब शादी की बात होने वाली है, कब मकान की बात होने वाली है। इन सारी चीजों को हम कीरो पद्धति के द्वारा देखते हैं। जैसे कि हमारी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा हमारे जीवन की शुरुआत, ये शुरुआत के बारे में बताती है। हमारी ये जो जीवन रेखा है, हमारी लाइफ यहीं से शुरू होती है और अंत हमारा यहां पे होता है, इसको अंत करती है। और इसी के साथ ये हमारी जो मस्तिष्क रेखा है, हमारी बुद्धि कैसे है, हम कैसे सोचते हैं और हम कितनी गहराइयों तक सोचते हैं, तो वो हमारी मस्तिष्क रेखा बताती है। और इसी तरह से ये हमारी हृदय रेखा है, हमारे भाव कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसे है, हमारी आदत कैसे है, हमारा प्रेम प्रसंग कैसे है, हमारी हृदय रेखा बताती है। और इसी तरह से ये हमारी जो चौथी लाइन है, इसको हम फेट लाइन करते हैं, भाग रेखा कहते हैं। भाग रेखा का उदय कहीं से भी हो, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, मतलब इस हमारे शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली रेखा जो भी होती है वो हमारी भाग रेखा है। यह हमारी करियर रेखा है, यह हमारे बिजनेस के बारे में बताती है, हमारी नौकरी के बारे में बताती है, हमारे स्टेटस के बारे में बताती है, हमारे जितने भी व्यवसाय हैं या हम व्यवसाय से जुड़े वाला कारोबार है, वो हमारी फेट लाइन बताती है। और इसी प्रकार से हम कीरो की पद्धति से देखते हैं कि किस एज में क्या कुछ घटनाएं घटती है। जैसे कि कीरो ने 7 अंक को बहुत शुभ माना था और वो 7 अंक काफी शुद्धता का प्रतीक भी बनता है। जैसे कि हम हफ्ते में 7 दिन मानते हैं, 7 देवियों को मानते हैं और 7 कलर को मानते हैं, तो शुभ होता है। और इसी प्रकार से जब भी हम अंक पद्धति की बात करेंगे, शुक्र के पर्वत के हम सेंटर में एक बिंदु के आकार को हम मानेंगे, ये हमारा सेंटर है। और इस सेंटर से हम एज की कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे जीवन में कब क्या घटनाएं घटने वाली है। सबसे पहले हम इस अंक के को देखते हैं तो ये हमारा 35 का एज बनता है। और यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 28 का एज बनता है। और यहां से अगर हम देखते हैं तो 21 का एज बनता है। और यहां से हम देखते हैं तो 14 का बनता है। और यहां से देखते हैं तो हम 7 का बनता है। जब भी इस जीवन रेखा को काट कर इस एज पे हम यहां पर एक गोलाकार बनाते हैं, ये गोलाकार है, ये रेखाएं जब काटेंगे जिस भी एज में जीवन रेखा को, उस हमारे जीवन में कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है और इस साल शुभ होने वाला है। और इसी के साथ अब ये यहां पे जब रेखा काटेगी तो ये 49 ईयर होएगा और यहां से काटेगा तो 63 आएगी, 63 आएगी। तो इसी के साथ हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेगी तो हम इस अंक के गणित के द्वारा देखेंगे कि हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, हमारे जीवन में बुरा हो रहा है। ये जहां पे काटेगी ये रेखाएं जो गोला है, उसी ईयर में हमें शुभ अशुभ की बारे में यहाँ पे बताती है। और इसी के साथ हम अपने भाग रेखा को भी देखेंगे किस एज में
हमारी जो भाग रेखा है प्रबल हो रही है, किस एज में हमारी भाग रेखा कमजोर हो रही है, तो उस एज पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे भाग में ये घटनाएं घटने वाली है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।